Hi everyone, in this video we are going to discuss about the concept of gram atoms and gram molecules. So guys, देखो gram atoms क्या है, gram atoms है क्या अपने पास, जो कि मोल ऑफ एटम्स होते हैं वही हमने बोला है, उन्हें कोई बोला है gram atoms. जैसे आप मोल ऑफ एटम्स को देखते हो वैसे ही आप बोलोगे कि gram atoms. किसी भी क्वेश्चन में अपने को सपोज gram atoms निकालने हैं तो आप बोलोगे कि अपने को मोल ऑफ एटम्स ही निकालने हैं. gram atom निकालना मतलब कि मोल निकालना. तो गाइज अब देखो, इसी अपने को ये पता है कि एक एटम का जो मास होता है, सपोज एक एटम ऑक्सीजन का ही, एक एटम का मास जो होता है वो 16 AMU होता है. ऐसे ही हम ये भी बोलते हैं कि एक मोल ऑक्सीजन की एटम का मास कितना होता है, वो 16 ग्राम के बराबर होता है, राइट. ऐसे हमने बोला था. तो यहाँ पर क्या हुआ, एक मोल एटम को हमने क्या किया एक्चुअल में, एटॉमिक मास को ही हमने ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया ना. तो यहाँ पर भी वही है, ग्राम एटम अगर है तो वो किसके बराबर होता है गाइस, एटॉमिक मास के बराबर होता है, अगर आप एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दो. तो सिंपल सी कहानी है ना. तो ग्राम एटम की भी यही बात है, मोल में भी हमने यही किया था, एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, फिर इसी चीज को हम ग्राम एटॉमिक मास कह देते हैं, राइट. अब देखो एक और टर्म है ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम, और ये जो ग्राम मॉलिक्यूल है इट इज मोल ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज मोल ऑफ मॉलिक्यूल, राइट. अब देखो जैसे आप ये बोल देते हो कि एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, उसका एटॉमिक मास आप 16 U बोल देते हो, लेकिन अगर मान लो एक मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है तो उसका मास हम कितना बोलते हैं गाइज, 16 ग्राम बोलते हैं ना. तो यहाँ पर देखो मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल को ही हमने ग्राम मॉलिक्यूल बोल दिया. तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास हमने कैसे निकाला है, इसका मॉलिक्यूल का मास को ही हमने क्या किया, ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, वही मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास आ गया ना. तो यही हमने किया है, मोल ऑफ मॉलिक्यूल मतलब कि या फिर ग्राम मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, आप बोलोगे कि मॉलिक्यूलर मास को ही ना आप ग्राम में लिख दो, वही होता है ग्राम मॉलिक्यूलर का मास या फिर मोल ऑफ मॉलिक्यूलर का मास, मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास, जिसको कि हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहा है. एग्जाम्पल करके आपको दिया हुआ है कि आपको ना ग्राम एटॉमिक मास बताना है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास बताना है, मतलब कि आपको क्या बताना है, एटॉमिक मास ही बताना है, बस उसको ना ग्राम में लिख दो. ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन को का बताना है, कहने का मतलब आपको एटॉमिक मास ही बताना है, बस आप उसको किसमें लिख दो, ग्राम में लिख दो. तो ये हो जाएगा गाइस 16 ग्राम, और यही चीज फिर ग्राम एटम के बराबर भी होगी और ग्राम एटम मोल ही होते हैं. ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर अपने को बताना है गाइस ऑक्सीजन का, तो आपको क्या बताना है, मॉलिक्यूलर मास बताना है. मॉलिक्यूलर मास भी किस में बताना है गाइस, ग्राम में बताना है. तो मॉलिक्यूलर मास तो इसका 32 होता है और ग्राम में बता दिया, यही हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास. और फिर इसी चीज को आप लिख सकते हो ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर भी लिख सकते हो, या फिर मोल ऑफ मॉलिक्यूल भी कह सकते हो. तो गाइस इसी पे बेसिक क्वेश्चन देखते हैं. कैलकुलेट मास ऑफ 1.5 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम. अब देखो 1.5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम का अपने को मास बताना है. तो ग्राम एटम क्या बोला था, ग्राम एटम का मतलब है कि मोल ऑफ एटम्स. तो कहने का मतलब आप बोल सकते हो कि 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम का मास बताना है, सिंपल. तो आप देखो सिंपल अपन ना मोल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. 1.5 ग्राम एटम का मास बताना, कहने का मतलब अपने को 1.5 मोल का मास बताना है. तो अपने को पता है कि एक मोल कैल्शियम का मास कितना होता है, 40 ग्राम होता है. ऐसे ही 1.5 मोल कैल्शियम का मास कितना हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई 40, तो ये आ जाएगा गाइस 60 ग्राम के बराबर. लेकिन अब आप ध्यान रखो ये मोल आपको, ये तो सिर्फ समझने के लिए था, हमने बोल दिया कि ग्राम एटम मोल के बराबर है. सिंपली आपको ना जब सॉल्व करना पड़े तो आपको लिखना कैसे है, आपको यही लिखना है कि एक ग्राम एटम जो कि ना मोल के भी बराबर है, इतने कैल्शियम का मास कितना होता है, 40 ग्राम. क्योंकि ऐसे में ग्राम एटम का देखा था ना कि ग्राम एटम का मास कितना होता है, हमने एटॉमिक मास को ही जब ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया वही ग्राम एटम का मास होता है. तो आप ये बोल सकते हो एक ग्राम एटम कैल्शियम का मास होता है 40 ग्राम. तो 1.5 ग्राम एटम कैल्शियम का मास कितना हो जाएगा, 40 × 1.5, इट विल बी 60 ग्राम. तो ग्राम एटम इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू मोल, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ग्राम एटम्स इन 12.8 ग्राम ऑफ O2. आपको ग्राम एटम निकालने हैं, मतलब आपको क्या निकालना है गाइस, मोल ही निकालने हैं. तो आप क्या बोल सकते हो कि 32 ग्राम O2 जो है इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या है गाइस, मोल ऑफ एटम्स ही, ग्राम एटम का मतलब है कि मोल ऑफ एटम्स ही है अपने पास. तो
एटम्स है ना, तो आप 32 नहीं लोगे यहाँ पर। O2 यहाँ पर ये ऑक्सीजन ही दिया हुआ है, टू करके नहीं दिया हुआ था, इस ऑक्सीजन ही दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो भाई यहाँ पर आप लिखोगे, देखो ग्राम एटम्स पूछे हुए हैं, मतलब मोल ऑफ एटम्स पूछे हुए हैं अपने को। तो अपने को ये पता है कि 16 ग्राम अगर ऑक्सीजन है, 16 ग्राम अगर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन ही लिखोगे, ऑक्सीजन का एटम है 16 ग्राम, ऑक्सीजन में 1 ग्राम एटम के बराबर है, ये अपने को पता है। 16 ग्राम, देखो ग्राम एटम निकालने मतलब कि मोल निकालने हैं, तो आप यहाँ पर ये भी तो बोलते हो ना कि 1 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल के बराबर है, तो ऐसे ही आप बोल सकते हो कि 16 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल के बराबर, हम ये मोल कंसेप्ट से कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि 16 ग्राम ऑक्सीजन 1 ग्राम एटम्स के बराबर है, तो ऐसे में देख लो 12.8 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम एटम्स के बराबर हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 12.8 डिवाइडेड बाय 16 ग्राम एटम्स, तो ये आंसर आ जाएगा। इसको जब भी आप सॉल्व करोगे इट विल बी इक्वल टू 0.8 ग्राम एटम्स, तो ऐसे इस तरीके से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। तो गाइस अपने को क्या निकालना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कहने का मतलब आप क्या करो, मॉलिक्यूलर मास निकाल दो और उसको एक्सप्रेस कर दो ग्राम्स में, राइट। तो यही हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो C12H22O11 शुगर है, यहाँ पर कार्बन के लिए 12 होता है, दो 12 कार्बन के लिए 12 मल्टीप्लाई 12, एक हाइड्रोजन के लिए एक होता है, तो 22 के लिए 22 से मल्टीप्लाई, एक ऑक्सीजन के लिए 16, दो 11 के लिए 11 से मल्टीप्लाई। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे गाइज ये आ जाएगा 342 ग्राम। तो गाइज ग्राम मॉलिकुलर मास क्या है, आप ये मॉलिक्यूल का ही मास निकाल लो और उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, इसी को ग्राम में एक्सप्रेस कर दो, इसी को ही हमने बोला गाइज ग्राम मॉलिकुलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट मास ऑफ इतने ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो गाइज अब देखो ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या, मोल ऑफ मॉलिक्यूल, कहने का मतलब मोल ही है ये, मतलब इन शॉर्ट अपने को इतने मोल शुगर का ही मास बताना है। इतने ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर का मतलब है, 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर का मतलब है कि आपको 0.5 मोल शुगर का ही मास बताना है। तो अपने को ये पता है कि 1 मोल शुगर का मास कितना होता है, भाई इसके बराबर होता है ना, तो आप ये बोल सकते हो कि 1 मोल शुगर का मास या फिर 1 ग्राम एटम शुगर, एक सॉरी 1 ग्राम मॉलिक्यूल शुगर का मास कितना होता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल शुगर का मास 342 ग्राम है, तो 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल शुगर का मास कितना हो जाएगा गाइस, 342 मल्टीप्लाई 0.5, दिस विल बी इक्वल टू 171 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ग्राम मॉलिक्यूल निकालने हैं आपको, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, राइट। कितने में, 547.2 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो अपने को ये तो पता है ना कि भाई 342 ग्राम में 1 मोल के बराबर है शुगर, 1 मोल के बराबर है, या तो आप बोल सकते हो कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल है। तो ऐसे ही फिर 547.2 ग्राम में कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 547.2 डिवाइडेड बाय 342, कहने का मतलब 1.6 ग्राम मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इस तरीके से हमने ग्राम एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूल की क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया।